पूरे बिहार को, जिसमें कि जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और सभी नगर निकाय क्षेत्रों को लॉकडाउन करने का निर्देश दिया गया है। अब इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि कुछ जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनको छोड़ते हुए बाकी सभी तरह के प्रतिष्ठान, सभी तरह के दुकानें, सभी तरह के ऑफिसेस जो निजी ऑफिस में बंद रहेंगे। और इसी के साथ सभी लोगों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें और घरों के बाहर ना आए अनलेस कि आपको ये ज़रूरी सेवाओं को अवेल करना है, और उसमें भी घर का एक ही सदस्य अगर हो सके तो बाहर आए और अवेल करके सीधे अपने घर जाएं। जहां तक संभव हो इधर उधर या अतिथियों का या अन्य जगहों पर कोई सामाजिक सम्मेलन या किसी सामाजिक समारोह में ना जाएं, ये करें, सुनिश्चित करें। साथ ही में हम लोगों ने ये भी इंश्योर किया है कि इस पूरे सिस्टम में जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका 100% स्क्रीनिंग किया जाए, और उनको जो यथोचित हो, यदि होम क्वारंटाइन करना है तो होम क्वारंटाइन रिकमेंड हो, यदि उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना है तो क्वारंटाइन सेंटर रखा जाए, और यदि आइसोलेशन वार्ड में उनको अगर सिम्टम्स हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में रख के उनका टेस्टिंग करा के उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। और कई लोगों से हम लोगों को ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा ये समस्या है या हमारे बगल वालों को समस्या है, ऐसे सभी लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बिहार राज्य के लिए 104 नंबर टोल फ्री नंबर है जिसको रिलीज़ किया गया है, उस 104 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आपको चिकित्सीय परामर्श और चिकित्सीय व्यवस्था भी कराई जाएगी, क्योंकि सभी पीएससी सीएससी के अभी ओपीडीज बंद किए गए हैं और केवल एक स्केलेटन लेवल पे, मिनिमम लेवल पे एसडीएस सब डिवीजन हॉस्पिटल लेवल पे इसको चालू रखा गया है। इसी तरह से पीएससी सीएससी लेवल पे चार चार टीम बनाई गई हैं जो कि लोगों को अगर आवश्यक होने पर उनके घर जाके चिकित्सीय सुविधा दे सकेंगे या फिर उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकेगा। साथ ही में ब्लॉक स्तर पर दो दो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जो लोग बाहर से आए उनको रखने के लिए, और बोधगया में हमारा एक दो क्वारंटाइन सेंटर रखा गया है जो कि मेनली जो एयरपोर्ट से लोग आते हैं और जिनका कोई अपना यहाँ पे जगह नहीं है रुकने का, या रेलवे स्टेशन से आते हैं और गया में कहीं रुकने का जगह नहीं है, उनको ऑब्जर्वेशन रखने की आवश्यकता है, तो उनके लिए वहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही आइसोलेशन वार्ड एनएमसीएच में, आईडीएच में, हम लोग सब डिवीजन हॉस्पिटल में बनाया गया है जो कि समय आने पर हम लोग यूज़ करेंगे। सर, कितने मरीज अभी तक आए हैं संदिग्ध मरीज? देखिए, अभी तक हम लोगों के पास जो संदिग्ध मरीज हैं वो टोटल संख्या 26 का है, और जिसमें कि 21 का टेस्टिंग हो चुका है और 21 का रिजल्ट आ चुका है, निगेटिव है, बाकी का अभी पेंडिंग है। आज फिर जो मुझे बताया गया है कि 10 और लोगों को सुबह से लेके आज तक अभी तक एडमिट कराया गया है। 26 के अलावा सर, 26 में ये कुछ इंक्लूडेड है, कुछ अभी एडमिशन में है, चल रहा है, प्रोसेस में है वो, तो ये हर दिन हम लोग इसको आपको आपके साथ शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे। बट इसके अलावा करीब 63 लोग ऐसे हैं जिनका क्वारंटाइन सेंटर में जगह जगह पर वो लोग हैं, चाहे वो आमस में क्वारंटाइन सेंटर में हों, चाहे बोधगया में हों, चाहे अन्य जगहों पर हों, इमामगंज में हों, वो 63 लोग हैं जो कि क्वारंटाइन सेंटर में अभी एडमिटेड हैं। एक समस्या देखिए, लॉकडाउन को लागू करने के लिए सेल बनाए गए हैं एसएसपी साहब की तरफ से, और ऑलरेडी आदेश हम लोगों ने निर्गत किया है, और मजिस्ट्रेट और फोर्स फील्ड में है जिसको सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि आज ये पहला दिन है और ये हम लोगों का ये एक्सपेक्टेड था शुरुआत में, कल जनता कर्फ्यू के बाद से लोगों में शुरुआत में इसको समझने में समय लग सकता है, लेकिन दोपहर के बाद से देखा गया है कि ये काफ़ी हद तक लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को पुनः बताना चाहूँ कि आज के बाद से, और आज जो हम लोग इसको इंश्योर कर रहे हैं, कल से हर एक केस में जो वायलेशन हम लोग को मिलेगा उसमें हम लोग आईपीसी के 188 धारा में एफआईआर करेंगे, प्राथमिकी करने से भी हम लोग नहीं हिचकेंगे। हम लोग चाहते हैं कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपके अपने परिवार की सेफ्टी के लिए है, तो इसके लिए कृपया इसका उल्लंघन ना किया जाए। साथ ही जगह जगह माइकिंग की जा रही है, प्रखंड स्तर पर माइकिंग किया जा रहा है, अनुमंडल स्तर माइकिंग किया जा रहा है, कृपया उसको भी लोग सभी अटिया कालाबाजारी को लेकर क्या जी, कालाबाजारी के लिए हम लोगों ने एसडीएम लेवल पे एक टीम बनाया है और डायरेक्शन दिया है कि ये टीम घूम घूम के रेट्स को चेक करेगी, सुनिश्चित करेगी उसका अनुपालन हो। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जिसका नंबर 2222 2229 है, उस पर लोग कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद उस जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में सभी किराना स्टोर जो कि
उनको बोला गया है कल से वो रेट लिस्ट जो मेजर आइटम्स जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उसका आपने यहाँ पर उसको भी रखेंगे, डिस्प्ले पे रखेंगे या उनके पास रखेंगे, जिसको कि लोग मांग सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आधार पर लोग पे करेंगे। फल और सब्जी के लिए भी हम लोगों का एक प्रयास है कि किस तरह से एक कोई मूल्य जो औसतन मूल्य है उसको हम लोग जगह जगह डिस्प्ले कर सके मंडियों के आसपास, ताकि उसका भी कालाबाजारी न किया जा सके। देखिए इसमें जो है जिला पदाधिकारी महोदय के और हमारे द्वारा जो है संयुक्त आदेश भी निर्गत किया गया है। इसके अलावा सुबह से ही सभी थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है। इसमें हम लोग दो तरह की कार्रवाई फिलहाल कर रहे हैं। जो एक इंटेंसिव वाहन चेकिंग हम लोग चला रहे हैं, जिसमें अभी तक आज सुबह से लगभग 4 लाख रुपये फाइन किया गया है। और इसके अलावा जो लॉकडाउन है इसके लिए जो आदेश निर्गत है उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए 3 प्राथमिकी अभी तक अंकित की गई है 6 लोगों के विरुद्ध, और 6 वाहनों को भी जब्त किया गया है। तो अभी आज पहला दिन है और हम लोग हमारी जो है लोगों से अपील भी है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो खासकर जो अपने आप को बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा कहते हैं उनके द्वारा विशेष रूप से जो है जो सरकार के निर्देश है उनका उल्लंघन किया जा रहा है और उससे बचने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। अभी हम लोग खुद ही वाहन चेकिंग में थे तो हमने पाया कि एक एक 4-व्हीलर में 4-4 लोग 5-5 लोग बैठ के घूम रहे हैं, और उनके द्वारा जो है जब पूछा जा रहा है तो दवा लाने के नाम पे 3 जो है कोई दवा एकदम कॉमन सी दवाएं पैरासीटामोल और इस तरह की दवाएं दिखाई जा रही है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है सभी नागरिकों से कि इस तरह से नहीं करें, बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें। और दूसरा ये कि जितने लोगों की ज़रूरत है उतना ही लोग बाहर निकलें, सब्जी लेने के लिए 2-2 लोग या एक एक दवा लेने के लिए 4-4 लोग घर से बाहर कृपया नहीं निकलें, नहीं तो इससे जो समस्या फैलेगी उसका जो है परिणाम सभी को झेलना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।